देखिए यहाँ पे क्लिक करते हो रहा है क्योंकि हमने गलत सीट पे लगा दिया था, वीवीए 3 पे लगा दिया था। तो वीवीए 3 पे जब मैं गया तो यहाँ हमने क्या किया हुआ था, हमने बोला कि सेल इंटीरियर डॉट कलर, मतलब जहां जहां हमारा कलर है वहां वहां वर्क करे, अदरवाइज वर्क बाकी का हटा दे, ये चीज हमने कर दिया राइट। अब यहाँ पे एक काम हम करना चाहते हैं, सीट फोर में मैं करना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा राइट। नेम लिखने के बाद यहां पे मैंने लिखा डेट एंड टाइम। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी बंदा इसमें अगर नाम लिखता है और इसमें लिखा पूजा, एंटर किया, तो उसका डेट और टाइम ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाना चाहिए राइट। तो हम यहाँ वीवीए 4 पे डबल क्लिक किए, यहां पे आए वर्कशीट और यहां पे लिए चेंज। चेंज में सबसे पहले याद रखिएगा क्योंकि तो मुझे जो चेंज करना है वो सिर्फ कॉलन, मुझे जो चेंज करना है कॉलन ए में ही करना है, तो पहले मुझे डिसाइड करना होगा कॉलन ए है नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लगाया कंडीशन कि इफ इफ टारगेट डॉट कॉलन इज इक्वल टू 1 देन, फिर यहाँ पे लगाते हैं नेक्स्ट एंड इफ, माफ कीजिएगा एंड इफ। उसके बाद कंडीशन देते हैं कि टारगेट डॉट, टारगेट क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहां पे प्री डिफाइंड टारगेट बन जाता है इसलिए, डॉट टारगेट, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या सर, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया क्या? हाँ लगा दिया, टार गेट डॉट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस ऑफ सेट 0.1 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट। यहाँ पे टारगेट का टी बड़ा नहीं हुआ तो स्पेलिंग भी, हाँ टैट कर दिया, यहाँ पे टारगेट करना चाहिए था, हाँ देखा यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं हुआ था क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक की, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसको डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी, सबसे पहले तो इसको सेव कर देते। प्रॉब्लम ये होगी कि हमने क्या लगाया, हमने बोला कि भाई कोई सेल पे चेंज करे तो चेंज करते ही ये वर्क कर जाए, वर्क करके क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो बिल्कुल उसी के तरह हो गया है कि आपने दरवाजे के इस तरफ और दरवाजे के उस तरफ दो आदमी खड़ा कर दिए, दोनों के बोला कि भाई बाहर वाला अगर दरवाजा बंद करे तो धक्का मार के खोल देना, और बाहर वाले को आपने बोला कि अंदर वाला दरवाजा अगर बंद करे तो धक्का मार के खोल देना। तो क्या होगा सर, दरवाजा कभी बंद होगा और किसी का काम खत्म होगा? एक बार काम शुरू तो खत्म होने की चांसेस है नहीं, क्योंकि बाहर वाला बंद करेगा अंदर वाला खोलेगा, अंदर वाला भी खोलेगा बाहर वाला बंद कर देगा, तो सेम चीज हुआ। तो इसलिए इवेंट फॉर्मूला जब भी हम लगाएं तो एक एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करना होता है कि एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट इक्वल टू फॉल्स। अब अपने फॉल्स किया जस्ट इसके नीचे ट्रू करना होगा, वरना क्या होगा कि बाकी नहीं चलेगा। और टारगेट डॉट 1, सेल ऑन वैल्यू हमने कर दिया 1, यहां पे कर देते हैं 2 और डेट के जगह पे कर देते हैं टाइम और यहां पे कर देते हैं ट्रू, ये जरूरी है। अब देखिए कि जैसे ही मैं यहां पे सिलेक्ट किया और लिखा पूजा, एंट्री किया, देखिए डेट एंड टाइम आ गया ना सर। मैंने लिखा मोहन और डेट एंड टाइम आ गया। तो ये हमारी इवेंट होती है। अब मैं बात करते अपने
प्रोजेक्ट के ऊपर, सेकेंड प्रोजेक्ट के ऊपर। सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा ये है कि मैं चाहता हूँ अपने फाइल के अंदर एक्सपायरी डेट लगाना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जाना वर्कबुक पे, हम जाएंगे वर्कबुक और यहाँ पे करेंगे ओपन। प्री कंडीशन में हम सिंपल सा लेंगे डिम डी टी एज ए डेट और डिम डी एज ए लॉ। अब मैं यहाँ पे डी, पहले यहाँ पे डी टी करता हूँ और ओरिजिन डेट सेट करता हूँ। तो ओरिजिन डेट मान लीजिए 11 सितंबर 2022। उसके बाद हम डी इक्वल टू बोलते हैं कि टुडे, नहीं टुडे नहीं होगा, डेट होता है ना यहाँ पे, डेट माइनस डी टी, तो डिफरेंस निकाल देगा। और फिर कंडीशन देंगे कि इफ डी इज ग्रेटर देन 30 दिन का है, देन सबसे पहले जो फाइल है एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड, इस पर पासवर्ड लगाओ, फिर इसमें दो मैच, फिर इसको सेव करो एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। उसके बाद फिर इसमें मैसेज दो एम एस जी बॉक्स, यहां पे लिखो कि योर फाइल इज एक्सपायर्ड, और फिर यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, यहां पे इक्वल टू ट्रू, समझ गए। और यहां पे कर दीजिए एंड इफ, ये क्या करेगा, ये आपकी फाइल को कर देगा क्लोज, आपकी फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो इस पे लग गई हमारी एक्सपायरी डेट, क्या लग गई सर, जब पे जैसे ही फाइल ओपन होगा सबसे पहले वो डेट को सेट करेगा, डिफरेंस निकालेगा जिस दिन ओपन हो रही है उस दिन की, अगर वो डेट ग्रेटर देन 30 है तो सबसे पहले फाइल में पासवर्ड डालेगा, फिर फाइल को सेव करेगा, मैसेज देगा और फाइल को क्लोज कर देगा और फाइल को एक्सेस ही नहीं करने देगा। राइट, और अगर पासवर्ड हमें पता हो फिर अगेन पासवर्ड लगा देगा। अब पासवर्ड पता होने से मतलब नहीं है, वो एक्सपायर हो रहा है, ओपन कर रहा है ना, ओपन ही नहीं करने देगा ना आपको, तो क्लोज कर देगा। ओके क्लोज कर रहा है लास्ट में। अब चलिए अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा सेक्शन, वो है हमारा फंक्शन का। हालांकि फंक्शन हमारे कोर्स के शेड्यूल में नहीं था, मैं भूल गया था लगाना, बट फंक्शन जरूरी है। फंक्शन मतलब आप अपने लिए खुद के फॉर्मूले बनाए। फंक्शन मतलब क्या है, खुद के फॉर्मूले। तो खुद के फॉर्मूले जैसे कि हमने इफ कंडीशंस के लिए यहाँ पे बनाया था ना, अब चलिए इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ए कंडीशंस जो है ये लगाया हुआ है वो कंडीशन लग जाए, क्योंकि रन करना नहीं मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के लिए हम लिखते हैं फंक्शन, क्या लिखते हैं फंक्शन। फिर यहाँ पे लिखता हूँ आई एन सी, मतलब कि फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में फॉर्मूले के अंदर क्या इनपुट करेंगे। जैसे आप सम फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें है ना कि भाई एक नंबर वन नंबर टू एंट्री करना है, या आप इफ लगाते हैं तो इफ फॉर्मूले में तीन इनपुट होते हैं ना, तो ये आपको फंक्शन में भी इनपुट डिफाइन करने होंगे। तो हमने बोला कि एन एज ए लॉन्ग है, क्या है लॉन्ग, एन एज ए लॉन्ग, और फिर यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया, क्या लगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू करेंगे आई एन सी फॉर्मूला आ जाएगा, आ गया। आई एन सी में हमने ए टू को सिलेक्ट कर लिया, अब ए टू की वैल्यू जो है कहाँ पे स्टोर हो गई, एन पे हो गए। अब यहाँ पे सिंपल मुझे कंडीशन देना है इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 40 देन R इक्वल टू 500, फिर एल्स इफ n इज लेस देन इक्वल टू 80 देन R इक्वल टू 1000, फिर else if n इज लेस देन इक्वल टू 100 देन
आर इक्वल टू 1500, फिर एल्स इफ आर इज ग्रेटर देन 100 देन आर इज आर इक्वल टू 2000, और यहाँ पे फिर एंड इफ कर दिया, और आर डिफाइन नहीं किया तो यहाँ पे आर डिफाइन कर दीजिए आर एज ए लॉन्ग, जो भी आप वेरिएबल यूज करते हैं। और नीचे हम करेंगे आई एन सी इक्वल टू आर, तो फॉर्मूला लगाने का, देखिए फॉर्मूला के बीच में जो आप कोडिंग लिखते हो वो कोडिंग बिल्कुल सब में सेम होती है, बस दो चीज़ होता है, पहला होता है डिक्लेरेशन, आप फॉर्मूला का नाम डिक्लेयर करें, इनपुट डिक्लेयर करें, उसके बाद कैलकुलेशन आप बीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से कैलकुलेट करें, फिर होता है असाइनमेंट, आप यहाँ फॉर्मूला को असाइन करें, समझ गए, क्लियर है जी, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आईएनसी को डबल क्लिक करके किया और नीचे की तरफ एंटर किया तो देखिए रिजल्ट आ गया रिजल्ट। अब चलिए इसमें एक और एंट्री हम करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, और एक बार एग्जांपल हम वी लुकअप का देते हैं, राइट। अब मेरे पास नेम ऑफ लिस्ट है, जैसे कि मैं यहां लगा लिया, क्या है नेम ऑफ लिस्ट है, और यहाँ पे मेरे सेल्स है, हालांकि इसको हम 2021 में जनरली लगा लेते हैं, बट 13-16 में इसका लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, जिसका एग्जांपल मैं बना रहा हूँ ऐसे आप बना सकते हैं। कॉपी किया इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू। अब मुझे क्या है कि पूजा मेरे पास कई बार रिपीटेड है, तो जितने भी पूजा रिपीटेड है उसमें फिर दबा, इसी में कॉमा कॉमा करके चाहिए, कॉमा 73 कॉमा 83 इस तरह से चाहिए, राइट। तो इसके लिए हालांकि टेक्स्ट इफ और टेक्स्ट को कंबाइन करके हम कर लेते हैं टेक्स्ट ज्वाइन को, बट टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लेटेस्ट एक्सेल का, पुराना एक्सेल का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं। तो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा मल्टी वैल्यू वी एल मल्टी वी लुकअप, मल्टी वैल्यू लुकअप करके नाम से एक अपना फॉर्मूला बना दिया। अब इसकी इनपुट क्या है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि एन एज ए हमने बोला वेरिएबल, क्योंकि नेम नंबर डेट कुछ भी हो सकता है लुकअप वैल्यू। फिर आता है आर एज ए रेंज, आर एज ए रेंज, दो बार एज हो गया एज ए रेंज, क्योंकि हम एक रेंज को सेलेक्ट करेंगे, और फिर आता है सी एज ए लॉन्ग, तो हम कॉलम नंबर को सेट करेंगे, ए हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल देखिए आ गया एम वी एल, एम वी लुकअप करके आ गया। अब जो ए पूजा को सेलेक्ट किया, ये पूजा किस पे स्टोर हो गया एन के ऊपर, फिर हमने सेलेक्ट किया अपना रेंज, रेंज किस पे स्टोर हो गया आर पे, और कॉलम तो मुझे 01 चाहिए, 01 से लेके चलते हैं, तो ऑफसेट में काम आएगा इसलिए 01 लिया मैंने, वरना आपको 1 2 3 करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। अब चलिए करते हैं इसमें, अब इसमें क्या होगा, हम लगाएंगे फॉर्मूला डिम के एज ए रेंज, यहां लिखते हैं कि फोर इच के इन आर, और नेक्स्ट के कर देते हैं, फिर यहां लिखते हैं कि इफ के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या एन, मतलब कि लुकअप वैल्यू, देन अब यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं डिम रिजल्ट के लिए आर ई एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि कॉमा लगेगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा ना, और यहाँ पे आर ई इक्वल टू आर ई के साथ कंबाइन हो जाएगा कॉमा लगा के क्या के डॉट ऑफसेट जीरो रो एंड सी कॉलम, सिंपल सा चलेगा। और लास्ट में हम करेंगे एम वी लुकअप इक्वल टू आर ई, क्योंकि रिजल्ट तो आर ई पे स्टोर है। अब इस पर डबल क्लिक करके एक बार एंटर मारिए तो इसमें नेक्स्ट विदाउट सही इफ कंडीशन को एंड नहीं किया, हम माफ कीजिएगा यहाँ पे एंड।
आगे रिजल्ट सर। तो इस तरह से फंक्शन आप लगा सकते हैं। तो फंक्शन समझ में आ गया। तो ऐसे फंक्शन फंक्शन के बीच की जो प्रोग्रामिंग है वो तो वही प्रोग्रामिंग है जो ने अभी तक सिखाया आपको, बाकी आप डिपेंड करता है। अब प्रोग्रामिंग के बाद हम बात करते हैं यूजर फॉर्म के ऊपर, राइट। यूजर फॉर्म, अब मैं यहाँ पे डेटा नाम का एक बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, फिर लिखता हूँ डेट, फिर लिखता हूँ टाइम और उसके बाद मैं नेम, सिटी, अमाउंट, सिटी कर दिया और यहाँ पे जैन फै मार्च का हम कर देते हैं, यहाँ पे 4 महीने का और यहाँ पे कर देते हैं टोटल। अब ये सारा एंट्री हम यूजर फॉर्म से लेने वाले हैं। इंसर्ट में जाते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, अपने हिसाब से थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए और इसको जैसा फॉर्म चाहिए उतना बड़ा ले लीजिए। ये टूल से जहाँ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आईडी चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिया टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आईडी के लिए रखा थोड़ा तो सा नीचे करता हूँ और सब इसके ऊपर हमें हेडिंग भी चाहिए होगा तो यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद ये जब सिलेक्ट करेंगे हाँ ये आता है आपका कैप्शन, मतलब प्रॉपर्टी वाले कैप्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, राइट। अब इसको थोड़ा बड़ा करना है तो इसके फॉन्ट होगा, फॉन्ट में आ जाइए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी फॉन्ट की बोल्ड कर दीजिए, अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर दीजिए और थोड़ा साइज बड़ा करना है तो अपना साइज बड़ा कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे लिखा आईडी में यहाँ देता हूँ, यहाँ पे आईडी होना चाहिए तो इक्वल आई डी ओके। और इसके बाद मैं यहां पे डेट देना चाहता हूं, ये सब ऑटोमेट होगा तो ये सब डिसेबल कर देंगे इसको, यहां से ड्रैग कीजिए डेट डेट हो गया। उसके बाद नेम और सिटी, तो मैंने यहाँ से नेम के लिए एक बड़ा सा नेम उठाता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिखता हूँ नेम, इस पर हम नेम। अब डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कीजिए फॉर्म में, कोई फॉर्म डिजाइन करने में कोई खास ये नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा फॉर्म डिजाइन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कुल होता है। उसके बाद सिटी के लिए मैं कॉम्बो बॉक्स लगाना चाहता हूँ, इसका है कि मेरा सिटी जो है वो सिलेक्टेड है, मतलब कि ऐसे नहीं है कि कोई भी सिटी डाल देंगे, तो सिटी के लिए मैंने यहाँ पे लिया कॉम्बो बॉक्स और यहाँ पे मैं देता हूँ सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी। उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स, अब मेरे पास जैन फैब मार्च अप्रैल 4 महीने का डेटा है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ से इसको लिया जैन, अब इसको कॉपी कर सकता हूँ कंट्रोल प्रेस कीजिए, ये आपका कॉपी हो जाएगा फैब मार्च अप्रैल, सॉरी अप्रैल। अब इसके ऊपर हेडिंग भी डालना होगा तो इसमें आपको अपना हेडिंग डालना होगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे अप्रैल मई सॉरी हमें गलत डाल दिया, ये अप्रैल नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा सॉरी, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कैप्शन में जाके जैन, इस यहीं पे जाके टाइप करना सही भी होता है फाइव
मार्च अप्रैल और यहां पे मार्च। अब लास्ट में हम ना टोटल यहां डिफाइन करते हैं। टोटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इसमें कुछ इवेंट्स, इसके बाद बटन्स लेने होंगे हमें। इस पर सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो बटन से होता है, कमांड बटन को बटन कहते हैं। तो यहाँ पे कमांड बटन हमने लिया जिसमें हमने बोला सेव सेव, फिर हमने अपना वापस कमांड बटन लिया, यहाँ ड्रैग किया, इसको हमने बोल दिया एग्जिट, या एग्जिट नहीं क्लियर, माफ कीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं। होता है ना क्लियर में गलती होने से क्लियर करो, क्लियर हो जाता है। अब हो गया। अब फॉर्म के ऊपर कुछ, जैसे सबसे पहले मैं जब रन करूं तो आईडी अपने आप और डेट अपने आप आना चाहिए। तो आईडी जो है मैक्सिमम आईडी डेट से निकलना चाहिए, जैसे कल मैंने बताया था मैक्स लगा के डेट सिस्टम डेट होना चाहिए, यहाँ पे सिटी आना चाहिए। दूसरा, जब मैं कुछ भी टाइप करूँ तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए। ये चार चीजें करनी है। तो हम क्या करना, आईडी पे डबल क्लिक करते हैं। आईडी पे डबल क्लिक करने के अब इसमें एक काम और करते हैं कि मैं यहाँ पे आईडी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कि टिम आईडी एज ए लॉग, और यहाँ लिखते हैं कि आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, मैक्स में देते हैं शीट्स। कौन सा शीट्स? तो डेटा शीट, डेटा शीट्स। और यहाँ हम अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक काम और कर लें कि हम यहाँ पे कर देते हैं डिम डब्लू एज ए, मैंने शीट एस टी कर देते हैं कि एस टी एज ए वर्कशीट, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं सेट सेट, क्योंकि सीट का यूज बहुत और जगह भी करना है। W इक्वल टू ये ले लीजिए, राइट। अब जहां जहां मुझे W की जरूरत, सीट की जरूरत पड़ेगी वहां पे W W डॉट W डॉट क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आता है, डॉट रेंज कॉलन ए बाई ए, ओके। और यहाँ अब यहाँ पे मी एक मतलब कि एक्टिव फॉर्म, यूजर फॉर्म वन भी लिख सकते हैं या मी लिख दीजिए, एक्टिव फॉर्म होता है। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन। अब देखिए ये हो गया हमारा, मैं डबल क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मिनट, ये वन क्यों आ रहा है, ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, आईडी प्लस वन होना चाहिए। इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके ओके ओके, हमने जो कोड दिया है ना, एक कोड गलत जगह पे दे दिया, हमें देना था इनिशियलाइज। तो यूजर फॉर्म, यहाँ पे मुझे यूजर फॉर्म का इवेंट सेलेक्ट करना होगा और क्लिक के जगह पे यहाँ इनिशियलाइज सेलेक्ट करूँ। इनिशियलाइज मतलब जो यूजर फॉर्म हमारा एक्टिव होगा, दैट कॉल इनिशियलाइज। और यहाँ पे कोड देंगे, अब यूजर फॉर्म होते ही इसकी मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसी तरह से डेट शो करना है तो इसी के अंदर यहाँ पर, यहाँ पे आपको लिखिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस, आईडी नहीं सॉरी यहाँ पे डेट। उसके बाद
सी यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपका सिटी क्या है। आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ कॉम्बो बॉक्स है तो कॉम्बो बॉक्स वन के जगह पे चेंज करके आप सिटी कर दीजिए, तो आगे चल के दिक्कत होगी। तो हर चीज का आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम जे लिख दिया, इसका नाम एफ लिख दिया, ऐसे चेंज करेंगे तो आपका दिक्कत वहाँ पे टाइप करते से बार बार यूजर फॉर्म पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने हर वैल्यू को एक नाम दे दिया, तो ये हो गया ए, और इसको हम कर देते हैं टोटल टी, और ये हमारा ए हो जाएगा एन नेम। ओके सर, अब मैं इसको डबल क्लिक किया और मैं यहां लिखता हूं कि विथ मी डॉट, अब कॉम्बो बॉक्स क्या है, सिटी है, तो सी टी सी टी। अब यहां पे नीचे लिखते हैं डॉट एड आइटम, तो कई सारे आइटम है ना, इसलिए हमने विथ कमांड लिया कि न्यू दिल्ली, विथ ना लगाते तो मी डॉट सिटी डॉट एड आइटम न्यू दिल्ली, फिर मी डॉट सिटी डॉट एड आइटम लिखना पड़ता, तो मी डॉट सिटी लिखने की जरूरत अब नहीं है, सिर्फ एड आइटम लिखेंगे यहाँ पे कि पुणे डॉट एड आइटम, नागपुर डॉट एड आइटम, कानपुर डॉट एड आइटम, उदयपुर। अब सिटी खत्म हो गया तो लास्ट में एंड, तो ब्लू कलर का जितना भी जब शुरू होता है तो एंड जरूर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यूजर फॉर्म, अब जैसे यूजर फॉर्म रन करते हैं तो यहाँ वन आ गया, यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ आपके लिस्ट ऑफ सिटी आ गया। अब मुझे करना है कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूं तो यहाँ टोटल ऐड हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आता है चेंज, कि जब चेंज होगा तो हम बोल देंगे कि टी डॉट वैल्यू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मी डॉट टी डॉट वैल्यू इक्वल टू मी। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जगहों पे लिखना है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन डॉट टोटल, ठीक है, और टोटल में अब कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, इनपुट नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा हमें लिखना है कि टोटल इक्वल टू मी, यहाँ पे यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म वन डॉट टी डॉट टी नहीं जे जे डॉट वैल्यू प्लस यूजर फॉर्म वन डॉट, ये होता है जैन के बाद फैब एफ डॉट वैल्यू प्लस यूजर फॉर्म वन डॉट एम डॉट वैल्यू प्लस यूजर फॉर्म वन डॉट ए डॉट वैल्यू। तो चारों महीने को क्या कर दिया, टोटल कर दिया, किसके अंदर कर दिया, हमने कर दिया फॉर्म के अंदर, सॉरी फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर क्यों किया, क्योंकि मुझे चार पांच जगह इसका यूज करना है, तो बार बार इतना लंबा कोड लिखे कॉपी पेस्ट करते कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अब हमें टोटल फंक्शन लगा लिया, हमें जस्ट फंक्शन को कॉल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे जे डॉट डॉट चेंज, तो यहाँ पे टोटल इक्वल टू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, बस सिंपल सा। ऐसे ही मैं यहाँ पे अब जे के जगह पे एफ लेता हूँ, एफ डॉट चेंज, तो बस वही है, यहाँ पे लिया, इसको लिया, आ गया। उसके बाद सेम आता है यहाँ पे एफ के बाद जे के बाद एफ के बाद एम, एम यहाँ डाल दिया, फिर वापस एम के बाद आता है ए, अप्रैल ना, तो यहाँ हो गया यहाँ पे अप्रैल फेब जैन और ये रहा मार्च। तो अब एक बार करते हैं चेंज करके देखते हैं कि यहाँ पे प्ले करके यहाँ पे कर्सर का 20 आ गया, 20 30
थर्टी आ गया, ओके 60। और यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक कॉनकेट हो रहा है क्योंकि ब्लैंक बाय डिफॉल्ट आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो टेक्स्ट होता है, क्या होता है टेक्स्ट होता है, तो आपको इसको प्लस अगर करना है तो आप देखिए अब यहाँ चेंज मुझे एक ही सेल में करना है, तो अब यहाँ पे इस टोटल वाले जो कोड है उसको चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिम V1 कॉमा V2 कॉमा V3 कॉमा V4 एज ए लॉन्ग, राइट V1 इक्वल टू यूजर फॉर्म 1 डॉट जे डॉट वैल्यू। अब इसी को कॉपी करके नीचे की तरफ 4 बार पेस्ट कर दीजिए, अब V के जगह पे V2 हो जाएगा और यहाँ J के जगह पे हो जाएगा F, ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है ना सर, 3 हो जाएगा V3 और ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा V4 और ये हो जाएगा हमारा A। अब मैं यहाँ पे टी यहाँ पे यूजर यहाँ पे यूजर फॉर्म टोटल टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अब परफेक्ट होगा क्योंकि टेक्स्ट की जगह पे ये जो लॉन्ग है कन्वर्ट कर देगा, देखते हैं क्या होता है, एरर नहीं आना चाहिए। हाँ एरर आ गया, एरर आने के पीछे रीजन था कि ये टेक्स्ट में दे रहा है और लॉन्ग टेक्स्ट में लेगा नहीं इसलिए एरर आ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको इसके लिए हमें एक फॉर्मूला वैल का लगाना है जो कि वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट में अगर कोई वैल्यू अगर कोई नंबर को टेक्स्ट में आपने लिखा तो कन्वर्ट, जैसे एक्सेल में होता है ना वैल्यू फॉर्मूला, आपने सिंगल कोट लगा के अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें वैल्यू में, तो ये वैल्यू में आपका कन्वर्ट कर रहा है। अब आपका एरर नहीं आना चाहिए, मैं इसको रन करता हूं, देखिए अब यहां पे 20 30 आ गया, प्लस हो रहा है ना सर, राइट सर। अब बात करना है कि जब मैं सेव पे क्लिक करूं तो सारा डेटा कहां जाना चाहिए, इस सीट में, सिंपल सा। तो चलिए अब इसमें हम इसकी कोडिंग करते हैं, इसकी कोडिंग बिल्कुल वही कोडिंग होगी जो हमने शीट में किया था, शायद आपको याद हो। तो ये सबसे पहले तो मैं इसको ले लेता हूँ, एक ये लाइन मुझे चाहिए होगा ऊपर क्योंकि यहाँ भी आईडी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसको लेते हैं, कमांड बटन ऑन डॉट क्लिक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डब्लू डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सल आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब इसको कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए, अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू को हटाइए, यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए और 1 के जगह पे टेक्स्ट बॉक्स डॉट 2 हो जाएगा डेट के लिए। अब टाइम के लिए हम डायरेक्ट जो टाइम जिस टाइम फोल्ड करेंगे उसके लिए तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लिख देते हैं, और यहाँ 0 के जगह पे 2 हो जाएगा, ये 1 के जगह 0 हो जाएगा, ये रहा हमारा टाइम। अब इसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, 3 के जगह पे हो जाएगा हमारा ये 2 के जगह पे 3 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के जगह पे हो जाएगा एन, क्योंकि नेम हमारा नाम हमने एन लिखा हुआ ना इसलिए, और फिर इसको कॉपी करते हैं, 3 के जगह पे हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे एन के जगह हो जाएगा सी टी और फिर वापस 5 हो जाएगा हमारा और यहाँ एन के जगह हो जाएगा जे चैन जैन डॉट वेलो। एक बार और डी ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, तो यहाँ पे इसको वापस हम अगेन कॉपी करते हैं
और ये हो जाएगा हमारा सिक्स, और एन के जगह पे जे के जगह पे हो जाएगा एफ। फिर यहाँ पे इस करते हैं, यहाँ है हमारा सेवन और यहाँ एफ के जगह पे एम, यहाँ पे इसकी ए हो जाएगा सेवन के जगह पे एट और यहाँ एन एम के जगह पे ए। फिर वापस ये हो जाएगा हमारा नाइन और एन के जगह पे हो जाएगा टी, मतलब कि टोटल, और यहाँ एम एस जी बॉक्स के अंदर शो करेगा डेटा सेव, डेटा सेव। फिर मी डॉट अब इसके बाद एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन किया, रन करने के साथ आ गया। अब यहाँ पे नाम देते हैं पूजा, सिटी हमने दे दिया एक लोकेशन, और यहाँ पे था 20 30। और जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, मैसेज दिया एंड ओके। अब मैं इस यूजर फॉर्म को क्लोज करता हूँ, तो देखिए डेटा हमारा परफेक्टली आ गया, आ गया सर। बट ये यूजर फॉर्म क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर कैसे करें? तो हम क्लियर हमें दो जगह पे यूज करना है ना, तो एक और हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड तैयार करते हैं, फंक्शन तैयार करते हैं, फंक्शन जहां पे एक ही कोड को बार बार लिखना हो तो फंक्शन बदलो, फंक्शन को कॉल कर लो, सिंपल सा। तो मुझे करना है क्लियर सबसे पहले, तो आईडी को चेंज करना है, क्या करना है, आईडी बढ़ जाना चाहिए, नेक्स्ट आईडी हो जाना चाहिए, राइट। तो आईडी के लिए भी हमने यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है इनिशियलाइज में, ये रहा इनिशियलाइज में आईडी, आईडी प्लस वन दिख रहा है सर। तो क्यों ना इसको यहां से कट कर ले और यहां नहीं कट नहीं करना, माफ कीजिएगा, इसका भी एक फंक्शन अलग बनाया जा सकता है, हाँ इसका भी एक फंक्शन बनाया जा सकता है, बना लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे कट करते हैं क्लियर सीएल की जगह पे। फिर यहाँ पे हम करते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई डी प्लस वन, फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स नहीं एन नेम होगा, नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, मी डॉट सी डी डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, मी डॉट जे। अब जे क्या होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा, क्योंकि जे में हम क्लियर नहीं लगा सकते या फिर नथिंग नहीं लगा सकते, ठीक है सर। जे डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे जे के जगह पे यहाँ पे आता है एफ डॉट वैल्यू जीरो, यहाँ पे फिर एफ के जगह पे आएगा एम डॉट जीरो, और फिर यहाँ पे आएगा ए डॉट वैल्यू। टोटल तक कैलकुलेट है तो कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इस सी एल को यहाँ पे डाल देते हैं, कहाँ पे कोड हो रहा है, वहां पे। और एक हमारे पास एक और बटन है, कौन सा, क्लियर बटन, इस क्लियर पे डाल देते। तो ऐसे सी एल नहीं डाल सकते, गलत होगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला बिना वेरिएबल का नहीं लगता है। तो मैंने p इक्वल टू कर दिया सी एल, और यहाँ भी p इक्वल टू सी एल कर देता। अब मेरा ये यूजर फॉर्म परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ हम देते हैं, यहाँ पे मोहन, सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे का नागपुर, यहाँ पे वैल्यू 20 30, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेव करते हैं, डेटा सेव, देखा सब क्लियर हो गया, आईडी भी 3 हो गए, 2 से 2 था 3 हो गया। समझ गए सर? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस।
ये यूजर फॉर्म हम इस तरह से यूज करते हैं। यूजर फॉर्म समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। देखिए इस यूजर फॉर्म बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मेरी जो क्लासेज है, जो क्या बोलते हैं फास्ट ट्रैक क्लासेज है, उसमें इसका जो है तकरीबन 12 घंटे की क्लासेज है सर। ठीक है, तो 12 घंटे की क्लास क्या है कि अलग अलग प्रोजेक्ट है, बाकी करना वही है जो मैंने किया आपको, बट अलग अलग जो है हमारा अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग चीजें हैं, इस कारण से टाइम लग जाता है। ओके ओके सर। अब जो है अगला टॉपिक हमारा है कि हम आउटलुक के जरिए मेल कैसे करें, समझे? तो इसके लिए मैं एक सीट यहां करते हैं, यहां पे मेल का सीट। जैसे कि मेरे पास एक मेल है, मैं इसमें दो प्रोजेक्ट करने वाला। एक पहला है कि मेरे पास एक मेल आई लिस्ट है, ईमेल आईडी, जैसे कि IPT Delhi123@gmail.com, sujitkumar.IPT@gmail.com, इसके बाद IPT India@outlook.com, उसके बाद आता है देव कुमार सिंह .IPT@gmail.com और kumar@IPTIndia.com। ऐसे मेरे पास 4, 5 या 10, 20 ईमेल आईडी है। अब मेरे पास एक मेल का फॉर्मेट है, समझे? मेरे पास एक मेल का फॉर्मेट। अब बोलेंगे किस तरह का मेल का फॉर्मेट है सर आपके पास? तो सबसे पहले तो मैं आउटलुक ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि बिना आउटलुक ओपन किए हुए एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे आउटलुक खोला, सबसे पहले अपना आउटलुक ओपन करता हूँ। तो ये ले लीजिए, ठीक है? एक्सेल सीट पर ईमेल दिख रहा है आपको सर, इसका नाम AA कर देते हैं। अब इस AA मेल जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है। मैं इसको बड़ा करता हूं तो आपको बड़ा दिखेगा। ये दिख रहा है। अब मुझे इस मेल को मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना है, जैसे कि मैंने यहां भेज रखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं, राइट? तो कैसे भेजें? तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके लिए इंसर्ट करते हैं हम एक मॉड्यूल में आते हैं, मॉड्यूल यह निकलते हैं। तो मुझे यहां करना है सब सेंट मेल वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके सर, तो सबसे पहले तो हमें यहां पे करना है बिट का कमांड लगाना है, बिट रेंज, और जो हमने ए नाम दिया था उस ए को सिलेक्ट करते हैं।
नहीं, इससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, यहां लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट, नहीं एप्लीकेशन होगा एक्टिव वर्क होगा, माफ कीजिएगा क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है, कोडिंग तो है सर। वर्कबुक डॉट एनवेलप, एनवेलप विजुअल इक्वल टू ट्रू करना होगा, ये क्या होगा आउटलुक को एक्सेल में खोल देगा। अब लगाना है कमोना विथ रेंज का, यहाँ पे विथ रेंज, रेंज में हमने दिया ए, ए ए जो हमने नाम डिफाइन किया था डॉट, हम यहाँ पे देना है मेल एनवेलप, ये डॉट पैरेंट होगा और इसमें होगा डॉट पैरेंट, पैरेंट अब इसमें लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं अब, मेल एनवेलप जो ऊपर लिखा हुआ एन वी ओ एल ओ पी ई मेल एनवेलप फिर डॉट आइटम, ओके डॉट आइटम। अब मैं यहां पे लिखता हूं विथ अगेन विथ डॉट, नहीं आइटम को से नीचे कर देंगे सही रहेगा, हाँ ये सही है सही है सही, ऊपर दे दिया आप नीचे टू कर सकते हैं, तब कंफ्यूज हो गया था सर माफ कीजिएगा, डॉट इक्वल टू हम यहाँ देंगे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जो है वो मेल आईडी यहाँ रेंज का, तो रेंज इसको ऑटोमेट करेंगे हम ए टू डॉट वैल्यू, अब ए टू किसका तो मेल सीट का, कौन सीट का मेल सीट, सीट नाइन है तो सीट नाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और मेल सीट भी लिख सकते हैं डॉट, ठीक फिर डॉट सी सी करना है तो डालिए अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए, या डालने की जरूरत नहीं है, बी सी सी भी डाल सकते हैं तो डालिए ब्लैंक कीजिए, नहीं तो डालने की भी जरूरत नहीं है। डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इक्वल टू मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज टेस्ट मेल, और ये लास्ट में डॉट सेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना करेंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड विथ, हमने क्या कर दिया एंड विथ, तो सेंड हो गया एंड विथ हो गया, तो बाकी सब सही लिखा हमने। चलिए अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कहाँ पे, याद किया जो मेल भेजना है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, फिर मैं यहाँ पे माइक्रोज और मैं मेल वन सेंड मेल वन को यहाँ से रन किया, दीपक अच्छा आइटम होना चाहिए था, आइटम हो गया फिर से दोबारा रन करना, ये देखिए यहाँ खुल गया ना आइटम, दिख गया सर, रन कीजिए, यहाँ पे एक मेल आई डालना पड़ेगा, मैं मैनुअली डाल देता हूँ, बिना मेल आई डाले हुए नहीं जाएगा, अब गया, अब रन कीजिए, प्रॉपर्टी मेथड फेल आ रहा है, एक आ रहा है मेल एनवेलप का स्पेलिंग गलत लग रहा है, एम ए आई एन मेल ई एन बी ई, आप लोग भी नहीं देख, आप लोग भी देख के बताए नहीं, ई एल ओ पी ई चेक कर रहा था, हाँ ये देखिए एम जो है कैपिटल नहीं हुआ था, देखे ना, अब वापस फिर यहाँ पे एक बार मेल आईडी डाल के फिर सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन होने के बाद जब तक जाएगा नहीं तब तक आपके ऑफ होगा नहीं, फिर हमने यहाँ पे सेंड वेड वन रन, स्पेलिंग मिस्टेक, चलिए
तो मेल हमारा अब इस बार वर्क कर गया, ये gmail.com था ना, इस कारण से दिक्कत आ रहा था। अब अगर मैं रन करूंगा तो अब परफेक्टली जाएगा। चला गया, बट एक ही मेल जा रहा है। क्या जा रहा है? आप आउटलुक में देखेंगे कि आपका आउटलुक में ये देखिए, दिस से टेस्ट मेल आ गया ना। क्या सर? कुमार को भेजा थे भी आ गया, ये भी आ गया। अब बात आती है लूपिंग की, मुझे यहाँ चलाना है कहाँ तक, छः तक चलना है। तो इस कोड को, ये जो कोड हमने लगाया हुआ है, इस सारे कोड को लूप में डाल देना है। फोर आई इक्वल टू चले 225 या जो भी है, इसका आप ऑटोमेट कर सकते हैं ना, तो इतना लूप सिखा दिया मैंने आपको। और जहाँ पे हमने ए टू किया हुआ है ना, इस ए टू की जगह पे बस आप कर दीजिए n% i। अब जो है चारों मेल को, चारों को भेज देगा। अब यहाँ आप आ जाइए इस यहाँ पे फॉर्मेट पे, यहाँ पे फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट फॉर्मेट। अब मैं यहाँ से अपना माइक्रो रन कर रहा हूँ, सेंट मेल वन। आप देखिए, एक दो तीन चार हो गया, भेज दिए चार। यहाँ पे आउटलुक भेज दिया सबको सर, दिख रहा है ना, आउटबॉक्स में भी है पड़ा हुआ मेरा, सबको भेज दिया सर। तो इसने मेल वर्डी पे भेज, लेकिन क्या मुझे, मैं अटैचमेंट भेज सकता हूं? देखिए, इसके साथ अटैचमेंट का कोई रोल नहीं, ठीक है। नहीं, अटैचमेंट भेज सकते हैं सर, अटैचमेंट भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके साथ हमारा एक फाइल है मेरे डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, सॉरी डाउनलोड में एक पीडीएफ फाइल है, मुझे पीडीएफ फाइल भी सबको भेजना है, डॉट पीडीएफ। से स्टार्ट डॉट नहीं लगाया, माफ कीजिएगा, पूछ दिया स्टार्ट डॉट पीडीएफ में। मान लीजिए इसमें मेरे पास एक एरा, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है ना, इसी फाइल को भेजना है। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में गया, क्योंकि मुझे इसकी चाहिए होगी पाथ विथ फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम जाएंगे पहले कोडिंग में चलते हैं, कोडिंग में यहीं पे लिखेंगे सेंड से पहले, सेंड सबसे लास्ट में का ध्यान रखिएगा, डॉट अटैचमेंट, अटैचमेंट्स होता है ध्यान रखिएगा, डॉट एड, और फिर यहाँ पे देना होगा पाथ विथ फाइल नेम विथ एक्सटेंशन डॉट पी डी एफ अटैचमेंट AHCHMENTS। स्पेलिंग सही है? चलिए अब इसको एक बार दोबारा हम करते हैं टेस्ट। एकदम जा रहा है, एकदम बट एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहां पर अटैचमेंट को और डबल डबल कर दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम है, तो चलिए हम, हमको अगर अटैचमेंट भेजना है तो हमारे पास दूसरा भी है, तो कैसे भेजेंगे? मुझे किसी को एक फाइल भेजनी है, मुझे मेल करनी है आउटलुक के थ्रू, 100 लोगों को फाइल भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे? तो यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब कि हमें कोई सीट रेंज में नहीं भेजना है,
सेंड मेल अंडरस्कोर टू। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक सिंपल सा मेथड। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे क्योंकि हम आउटलुक को यहां ओपन करने जा रहे हैं। तो डिम आउटलुक डॉट आउटलुक डॉट नहीं आउटलुक डॉट एज ए ऑब्जेक्ट और फिर यहां पे डिम मेल एज ए ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेट आउटलुक इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और इसके अंदर में लिखना पड़ेगा आउटलुक डॉट एप्लीकेशन और हमने इसको क्लोज कर दिया आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। फिर यहां पे सेट मेल इक्वल टू आउटलुक डॉट क्रिएट आइटम। तो हमने एक से एप्लीकेशन को खोला और दूसरे से क्या किया हमने एक आइटम क्रिएट किया था कि नया मेल क्रिएट। अब यहां पे लिखते हैं कि विथ मेल और क्या क्या चाहिए तो यहां पे टू इक्वल टू हमने डाल दिया अपना मेल आईडी कि सीट्स और शीट्स में हमने डाल दिया मेल और यहां पे दे दिया डॉट रेंज ए टू डॉट वैल्यू ऐसे डॉट सी सी डालना है डालिए अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए डॉट बी सी सी डालना है डालिए ब्लैंक छोड़ दीजिए या फिर बी सी सी नहीं भी डाल सकते डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट डालिए अगेन दिस इज सेकेंड टेस्ट मेल सॉरी सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट लिखना चाहिए और फिर अटैचमेंट। तो अटैचमेंट जब हमने ऊपर डाला हुआ है सेम मेथड से यहाँ भी डलाएगा तो इस अटैचमेंट को ले लेते हैं जो भी अटैचमेंट आपके पास है और लास्ट में सेंड तो होगा ही होगा तो दोनों यहाँ पे डालना चाहिए और फिर यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि एंड विथ के बाद फिर लिखेंगे सेट आउटलुक इक्वल टू नथिंग। ये जरूरी है बना आगे दिक्कत हो जाएगा सर दूसरे मैक्रो में और फिर यहाँ पे मेल जो है हमारा नथिंग। तो चलिए हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन हो गया आउटलुक में देखते हैं ठीक है आ गया दिस इज द सेकेंड मेल आ गया अटैचमेंट बट इसमें हमने कुछ लिखा नहीं मेल बॉडी पे। तो यहां आपको सब्जेक्ट के नीचे डॉट बॉडी बॉडी में मैसेज लगाया लिखें कि डियर सर स्लैश मैम ये तो एक ही लाइन हुआ। फिर दूसरा लाइन के लिए एंड वी वी न्यू लाइन ये दूसरा लाइन ऐड कर देगा। फिर एंड परसेंट लिखे प्लीज फाइंड अटैच फाइल फॉर कोर्स डिटेल। दिक्कत होगा तो इसको वेरिएबल पे आप अप्लाई करके फिर उस वेरिएबल को यहाँ कॉल करें फिर वीवी न्यू लाइन एंड परसेंट रीगार्ड फिर एन परसेंट बीबी न्यू लाइन। इसमें आप भी एचटीएमएल वर्डी को भी कॉल कर सकते हैं एचटीएमएल की पूरी करके उसको भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का पेज दे दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए जहां पे आपको आउटलुक के संबंधी बहुत सारे हर एंगल के मेल्स आपको दिख जाएगी ठीक है कोडिंग दिख जाएगी उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा।
अब देखिए मैं एक बार और दोबारा भेजता हूँ, तो इस बार जो मेल आएगा उसमें देखिएगा लिखा रहेगा सेकेंड मेल और इसमें मैसेज होगा, और हमने जहां जहां न्यू लाइन लगाया वहां वहां लाइन ब्रेक हो गया है। ओके सर, ओके ओके। सर तो अब यहाँ पे हम अपना मेरा ये जो कोर्स है खत्म होता है। अब आप लोगों के जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। चलिए वन बाय वन आते हैं डाउट्स पे। तो सबसे पहले आते हैं आशीष मिश्रा जी पे। आशीष मिश्रा जी बोलिए, आपके कोई डाउट? नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आज का तो मैंने कोशिश की है समझने की, क्योंकि ये सब नया था मेरे लिए, और कल जो आपने क्लास ली थी उस बारे में एक दो डाउट्स थे मेरे। कल अपन शॉर्ट में समझने की कोशिश करता हूँ कि कोई एफ ड्राइव में अपनी 2022 में कोई फाइल रखी है, वो अपन ने वर्कबुक ओपन फॉर्मूला लगा के उसको ओपन कर लिया है। अभी हर बार नई फाइल ओपन करनी है तो अपन ने जेड इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स इनपुट ले लिया और वो फाइल का नाम डलवा के वो ओपन हो गई। अभी हर बार हमने मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था कि वो जो फाइल ओपन हुई है उसमें फोन नंबर और नेम कॉपी कर लेगा, लेकिन अब पहले तो फाइल को नाम से ओपन कर देते हम, जैसे साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। कल जैसे आपने बताया कि जेड इनपुट बॉक्स में हमने हर बार फाइल का नया नाम दे रहे हैं, अब वो फाइल का नाम तो नहीं रहा हमारे पास, हर बार नई फाइल ओपन हो रही है, उसको सेलेक्ट कैसे करेगा वो फॉर्मूला, किस फाइल का फोन नंबर और नेम कॉपी करना है, उसको कैसे पता लगेगा? कोई कंडीशन होगा ना, आप कैसे लगाते हैं, समझते हैं? पहले तो हमने जो फाइल साउथ नाम से फाइल है उसको ओपन कर लिया, फॉर्मूला बनाया कि अब जो फाइल साउथ नाम से ओपन हुई है उसमें फोन नंबर और एक नाम की तो एक ही फाइल होगा, साउथ नाम का एक ही फाइल ना होगा, साउथ नाम के दो फाइल थोड़ी होंगे। जी, तो वो एक फॉर्मूला एक ही फाइल पे वर्क करता था, फिर तो हर फाइल का रीनेम करके फिर उसको ओपन करते थे। तो आप इनपुट बॉक्स, आपने जो कल तरीका बताया, इनपुट बॉक्स लगा दीजिए कि आप जैसे रन करे आपसे फाइल नेम पूछे, फाइल नेम डालिए हो जाएगा। वो लगा दिया हमने, फाइल नेम पूछने लगा आपकी बात, तो जो फाइल नेम हम उसको इनपुट दे रहे हैं वही फाइल ओपन कर रहा है जी। अभी वो फॉर्मूला दूसरा बनाया हुआ हमने नेक्स्ट पेज पे कि वो उसका फोन नंबर और नेम कॉपी करे, तो अभी उसमें एक्टिव वर्कबुक डालेंगे या फाइल का नाम डालेंगे या कैसे डालेंगे? नहीं, आपने फाइल का नेम जो है इनपुट बॉक्स से एक वेरिएबल पे, वेरिएबल पे स्टोर करा लिया है ना? नहीं, स्टोर नहीं कराया अभी। इनपुट बॉक्स करते हैं, आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे fn इक्वल टू इनपुट बॉक्स और लिखेंगे एंटर द नेम, तो बंदा उसमें नाम लिखेगा, वो आपके फाइल का नेम fn पे शो हो गया। अब जहां जहां आपको उस फाइल की जरूरत है वहां वहां पे आप वर्कबुक्स fn उसके साथ उसका एक्सटेंशन को कर दीजिए ज्वाइन और यूज कर लीजिए। ठीक है, ऐसा करके देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए हरियाण जी, जी तो आपकी क्या डाउट है? सर मेरा तो संतोष जी, आपके पास कोई डाउट है? नहीं सर, संतोष जी के पास। चलिए, हेलो हेलो, हाँ सर सर, एक मिनट, वो म्यूट सर। हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो जी सर, कल जो हमने पढ़ा था ना वो एंट्री कराने वाला, ये मतलब हम यहाँ पे एंट्री करा रहे थे ना फॉर्म, डेटा प्लेस कर रहे थे दूसरे शीट पे, तो उसमें उसमें एक था कि टोटल हमने नहीं किया था कहीं पे भी, ठीक है, जो हम एंट्री करा रहे थे अमाउंट वो टोटल कर रहे थे। अब मैं टोटल कर रहा हूँ ना सर, तो उसमें दिक्कत ये आ रही कि टोटल तो हो रहा है बट वो सिर्फ मैक्रो को रन करने पे हो रहा, मतलब उस सबमिट करने पे नहीं हो रहा टोटल। नहीं नहीं सम, आप तो आप सबमिट करने पे टोटल क्यों, आपका जो टोटल जो आपका टेक्स्ट बॉक्स में दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो जब सबमिट करते हैं तो वहां पे आप उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाइए ना जो वहां पे डाला हुआ है। ये फाइल मैं भेज दूंगा, मैं फाइल भेज दूंगा, इस फाइल को देख के बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत होगा तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर,
और एक और था मेरा एक्चुअली ऑफिस का काम है, क्या मैं वो शेयर करूँ? आप एक बार मुझे गाइड कर दोगे? नहीं स्क्रीन शेयर नहीं ले सकता, बाकी पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे पास 3-4 कॉलम की फाइल आती है मतलब डे वाइज, और उसमें क्या होता है ना कि जैसे लेट से कॉलम ए बी सी डी ई में टोटल होता है ठीक है, और डे वाइज होता है, तो एक दिन में कभी 4 कॉलम आते हैं, किसी दिन में 3 कॉलम आते हैं, कभी 5-6 होते हैं, तो मुझे उसको मैनुअली क्या करना होता है कि जौन से डे पे कॉलम ए लेट से कॉलम ए एक दिन गायब है तो उसको मैनुअली मुझे इंसर्ट कराना पड़ता है, फिर उसमें 0 वैल्यू पुट करनी होती है, फिर टोटल निकालना होता है और उसके बाद फॉर्मूला सेट करना होता है। क्या इसका मैक्रो नहीं बन सकता जिस तरह रन कराऊं, जिससे फाइंड आउट करें कि कॉलम 6 है या नहीं है, और इसके बाद अगर नहीं है तो इंसर्ट करें और इसके बाद फॉर्मूला? तो काउंट का फॉर्मूला लगा लो ना, काउंट ए का फॉर्मूला, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन काउंट ए, काउंट ए करा के चेक कर लो, अगर 6 है तो ठीक है, नहीं है तो जो इंसर्ट करवाते हैं उसे इंसर्ट करवा दीजिए कोड के थ्रू। तो काउंट ए क्या डेट पे काउंट करने पड़ेगा कि लेट से 1 तारीख को 6 है या नहीं है? अगर है आप देखिए ना, आप देखिए कि आपके पास टोटल टोटल नंबर ऑफ कॉलम के काउंट कितने होने चाहिए, फिर वो हेडिंग को काउंट करके आपको काउंट देगा। इफ कंडीशन दोनों को मैच कीजिए, अगर दोनों ट्रू होता है तो आगे कंसीडर करेगा, नहीं होता है तो नहीं करेगा। लेकिन सर क्या होता है ना, डेट में क्या होता है, डेट का जो कॉलम होता है वो मर्ज होता है, अगर उसमें मैं कल रिकॉर्ड करने के करा था, मैंने कल रिकॉर्ड करके जब चलाया ना तो क्या किया कि क्योंकि करके नहीं होगा। अभी जो मैंने 2 दिन में आपको सिखाया है ना, इस 2 दिन को पहले आप कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस, समझ लीजिए, समझ गए ना? और जो चीजें मैंने सिखाया है वो चीजें को अगर कंसिडर कर ले, फिर आप जो है उसको रिकॉर्ड से नहीं उसको कोडिंग के थ्रू करना शुरू करें, और जहां फंसे वहां मुझे कॉल कीजिएगा, आपको हम सपोर्ट कर देंगे। ठीक है रियान जी, आपकी क्या प्रॉब्लम बताइए। सर जैसा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक वर्कबुक है 500 एम्प्लॉयज की, ठीक है, और मैंने हर किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी शीट बनाई है उसको मैंने इंडेक्स मैच से ऑटोमेट किया है, क्योंकि उसका जो सैलरी का डाटा है वो मतलब सीडी में है, तो मैंने वहां से उसको मतलब लिंक करा के इंडेक्स मैच से ऑटोमेट कर दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जैसा भी आपने बताया लूप लगा करके हम उसको मेल कर दें, मैंने सबकी 500 लोगों की एम्प्लॉइज की मैंने सैलरी शीट रेडी कर ली, रेडी करने के बाद मुझे उनको ऑटोमेटिकली उनकी ईमेल पर सेंड करना है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं उन एम्प्लॉइज की नेक्स्ट ईयर की मेरे पास सीट आए तो मैं बीबीए कोड की मदद से मैं उसको ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ उसकी जो सीडी का डाटा है वो मतलब उसमें अटैच करना पड़े, और मतलब ऑलरेडी वो डू यू नो ये कौन बोल मैं अलीगांव में, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इनसे अनम्यूट करने को तो कीजिए सर। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ईयरली बाई ईयर खुद ऑटोमेट हो जाए, बस मुझे तो उनका जो सीडी का डाटा है। अलग अलग शीट जो बना रहे हैं ना, 500 अलग अलग शीट सैलरी का सही नहीं रहेगा, आप बनाइए उसको 500 पीडीएफ कॉपी, समझ गए? ओके ओके, 500 अलग अलग पीडीएफ पीडीएफ कॉपी। मैंने आपको ए पीडीएफ कॉपी बनाने वाली वीडियोज मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो वीडियोज जस्ट व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा जी क्या आपकी प्रॉब्लम, समझ गए ना? सैलरी ऑटोमेशन का ही है, देख लीजिए, आप लोग भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, आप लोगों को भी मैंने मैसेज कर दिया है। ओके थैंक यू सर, चलिए ओके मिलते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होगा कॉल कीजिएगा।